एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला अमरोहा के ब्लॉक धनोरा में स्थित सेतपुर गांव पहुंची। इस समय हरजीत कौर को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 4,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। लगभग 1200 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 263 राशन कार्ड धारक हैं। वहीं पता चला कि गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 90 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 11 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 30 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री व शौचालय, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 110 शौचालय का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। इसके साथ ही गांव में सौर ऊर्जा व कूड़ेदान लगवाने की भी मांग की है। मैं ग्राम समाज शहदपुर से महाराज सिंह प्रधानपति सिरसाजट चौखट। मेरी ग्राम समाज शहदपुर में इतनी दयन दशा है कि लोग जो है बड़े परेशान हैं। ना आवास है, ना रास्ता है, ना पानी का रख रखाव है। इतना प्रदूषण पानी का इतना प्रदूषण है कि कोई सरकार की तरफ से कोई नल की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि टंकी की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी थी। कम से कम यही लगा लो कि 20 या 25 लोग इस समय बीमार पड़े हुए हैं जो पानी के प्रदूषण से हैं। गवर्नमेंट का कोई वही नहीं है। गवर्नमेंट का क्या, प्रधान का तो इस सरकार में बिल्कुल भी सम्मान है ही नहीं। प्रधान जाता है और ब्लॉक से वापस आ जाता है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कहेगा पैसा इतना नहीं दे सकती सरकार जिससे कि वो मतलब विकास कर सके। सबसे कम पैसा जो है प्रधान को मिलता है, जबकि प्रधान ही जो है ग्राम का एक सबसे बड़ा मतलब चुनिंदा व्यक्ति होता है और उसको जो है पैसा नहीं मिलता। उसी को तो पता है कि ग्राम में गांव में क्या व्यवस्था है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो जो है उसका मानसिक जो है रूप से जो है ग्राम प्रधान जो है परेशान है।